स्वागत करें। बहुत श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ आगमन पर संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन आपके समक्ष एक संदेश नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा है। नदियां, जंगल, झरने, पर्वत, रखना इन्हें संभाल कर धरती मां की अपने किसान पुत्रों से प्राकृतिक खेती के लिए एक ममतामयी गुहार। आइए देखते हैं और समझते हैं लघु नाटिका जिसका नाम है धरती कहे पुकार की। मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति ही, अंतरिक्षः शांति ही, पृथ्वीः शांति ही, औषधयः शांति ही, वनस्पतयः शांति ही, ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। नदियां, जंगल, झरने, पर्वत, रखना इन्हें सवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी धरती कहे पुकार के। हजारों साल से
मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो विंध्य की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, भारत की बेटी हो। आओ, तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, हम तो अपने बिंद के सवे जनन का केवल इतने कहे चाही थे कि प्राकृतिक खेती या समय के मांग बन चुकी है। प्राकृतिक खेती या उद्देश्य के साथ होत है कि जौने जमीन और हमरे मिट्टी के उर्वरकता बनी रहे। हम सबका प्रकृति के साथ मित्र जैसन व्यवहार करे चाहिए। हम अपना से आमे वाली पीढ़ी के तरफ से या विषय का ध्यान दे के सुने और देखे के विनती करी थी। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता, जब से जैविक खाद को छोड़ा खुशहाली से नाता तोड़ा। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की
जैसा कि आपने सुना और समझा कि धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य केवल एक, बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला एक। इस माला को यानी इस लघु नाटिका को जिन कलाकारों ने पिरोया है उनके नाम हैं तनिष्का हतवल ने भोपाल से, जिन्होंने धरती माँ का रूप धरा, विंध्य की बेटी सीधी से मान्या पांडे, कलांजलि परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप के डांस कलाकार, म्यूजिक कंपोजर श्री मिलिंद त्रिवेदी, इस नाटक को लिखा श्री नदीम खान ने एवं इसका निर्देशन किया श्री एन के पंत और श्री नदीम खान ने। आदरणीय देवियों सज्जनों, अब उद्बोधनों की शुरुआत स्वागत उद्बोधन से। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप स्वागत उद्बोधन दें। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपने पंचायती राज दिवस के अवसर पर आकर के पूरे ग्रामीण वासियों को आपने एक उत्साह बढ़ाने का काम किया है। हमारे सहयोगी मंत्री ने तो इतना तक कहा कि आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुए कभी हॉल से बाहर आकर के गांव में पंचायतों का कभी इस ढंग से रूबरू नहीं हुए। ये बताता है कि आपका पंचायत से, गांव से, गरीब से, किसान से कितना लगाव है। और इस मंचन ने तो एक एक लोगों का दिल जीत लिया कि गांव के किसानों के लिए आप कितना भीतर से, आपके अंदर जो कष्ट है उसको यहां मंचन करके कलाकारों ने दिखाया। आज इस मंच पर इस राज्य के जो यशस्वी मुख्यमंत्री मानवर शिवराज सिंह चौहान जी, इस राज्य के राज्यपाल महोदय मानवर पटेल साहब, केंद्र सरकार में हमारे सहयोगी मानवर फगन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद पटेल जी, हमारे पंचायती राज मंत्री भाई कपिल मुनेश्वर पाटिल जी, मंच पर आसीन सभी महानुभाव मित्रों, मैं बहुत कुछ नहीं कहने के लिए यहां आया हूं, लेकिन दो शब्द कहना चाहूंगा। जब से प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसी ढेर सारी प्रेरणा देने का काम किया है जिसके कारण आज गांव में रहने वाले लोगों को, आज आप कह रहे थे पंचायती राज की ओर से जो हम अवार्ड देते हैं पहले राज्यों से आता था प्रधानमंत्री जी, अब थीम बेस ग्राम में हमने न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल गांव वाले को हमने इस बार राष्ट्रपति महोदय के हाथों से, महोदया के हाथों से हमने देने का काम किया। केवल कार्बन न्यूट्रल नहीं बल्कि आज समावेशी विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम टीबी मुक्त भारत के लिए पंचायतों को प्रेरित करने का उनको लक्ष्य दिया है। आगे जो हम अवार्ड देंगे उसमें उसको भी रखेंगे। कार्बन न्यूट्रल के साथ साथ पानी युक्त गांव हो। आज आपने देखा होगा अमृत सरोवर की बात, इसी ढंग से हमने ग्रीन विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है, ग्रीन पंचायत का। ग्रीन पंचायत का केवल हरा भरा नहीं बल्कि खेतों के अंदर प्राकृतिक खेती हो, खादों को हम उससे हटाएं, ग्रीन पंचायत हम बनाएं। लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती से मैं गांव को बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि जब आप आए लोगों ने गांव की बात की, गरीब की बात की, मुझे कहने में झिझक नहीं है
इंदिरा आवास का नाम हम 29 वर्ष से गरीबों के मुख से सुनते रहे, मेरा घर कब होगा। लेकिन 29 साल में केवल 3.25 करोड़ घरों से ज्यादा नहीं बना, आपने तो 8 साल में केवल ग्रामीण 3.5 करोड़ घरों को बनाने का काम किया है। ये एक अपने आप में जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज गांव में नरेगा जिसकी चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश में, इस देश में नरेगा का 33,000 करोड़ केवल बजट होता था, केवल 2,13,000 करोड़ अब तक खर्च हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कभी रुका नहीं, कभी किसी की 6,00,000 करोड़ से ज्यादा मनरेगा में खर्च करने का काम किया। केवल मध्य प्रदेश में 21,000 करोड़ मिला था, जो यूपीए सरकार मनरेगा का नोडल बन करके घूमते हैं सदन से लेके सड़क तक, लेकिन आपके नेतृत्व में 45,000 करोड़ मध्य प्रदेश को देने का काम किया है। आज उसी गांव में जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना का स्कीम लाया है, ये लाडली बहना कोई छूटे ना मुख्यमंत्री जी के स्कीम से, लेकिन समूह की दीदियों को प्रधानमंत्री की प्रेरणा से 1,00,000 दीदी बनाने का काम भारत सरकार ने शुरू की है। ये भी जब प्रधानमंत्री जी आप आए थे उसके पहले केवल 6,00,000 यहां दीदियां थी, आज लगभग 53,00,000 दीदियां हैं। प्रधानमंत्री आवास केवल 6,00,000 मिला था, आपने तो 40,00,000 आवास मध्य प्रदेश के गरीबों को देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी पहले पंचायती राज व्यवस्था में 50 रुपया 100 रुपया प्रति व्यक्ति दी जाती थी, आज आप 700 रुपया प्रति व्यक्ति विकास के लिए दे रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है पंचायती राज का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय गिरिराज सिंह जी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप आए और मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश और बिंद की धरा पर पधारे हुए, हजारों करोड़ रुपए की सौगात लेके पधारे हुए और एक मार्मिक संदेश धरती कहे पुकार के का संदेश देने पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गवर्नर आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, राज्य मंत्री आदरणीय कपिल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भाई प्रहलाद सिंह पटेल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बिसाहू जी, महेंद्र जी, राम खिलावन जी, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विष्णु दत्त जी,
सांसद साथीगण जनार्दन जी, गणेश जी, रीति जी, यहाँ के विधायक राजेंद्र जी, मंच पर विधायक विराजमान, बाकी सभी विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं, उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में रीवा बदल गया है। आज देखिए रीवा के चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें, कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था, लेकिन चारों तरफ आज बनते हुए हाईवे, केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ की टनल ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी टनल, वहां लोग जाके आजकल सेल्फी खिंचवाते हैं। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, आज विंध्य वालों, प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों, केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री जी रहे, नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं उस जमाने में जब बाण सागर बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का, आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है, किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है, बोलो हुई है कि नहीं? आज गांव गांव में 4-व्हीलर हमारे हैं और कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। रीवा में चमत्कार हुआ, 750 मेगावाट का हमारा सोलर पावर प्लांट लगा। अभी भाई गिरिराज जी बता रहे थे गरीबों के घर, उस जमाने में तो इक्का दुक्का आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 40 लाख घर तो दिए ग्रामीण क्षेत्र को, लेकिन 10 लाख घर शहरी क्षेत्र को भी दिए, लगभग 50 लाख मकान गरीबों को देने वाले प्रधानमंत्री आए हैं। हम तेजी से मकान पूरा कर रहे, बनाने का काम पूरा कर रहे हैं, 4,11,000 घरों में आज गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं सरपंच भाइयों, बहनों, जब पुरानी सरकार थी 1.25 महीने के लिए आ गई थी, प्रधानमंत्री जी ने घर भेजे थे, लेकिन उस सरकार ने घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। ये पाप और अपराध उस समय की सरकार ने किया था, बोलो किया था कि नहीं किया था? सरपंच जी बता दें, किया था कि नहीं? तुम्हारा क्या जाता था? गरीबों के घर बन रहे थे, मोदी जी घर भेज रहे थे, तुमने बने बनाए घर, जो घर बनते उनका पैसा तुमने वापस लौटाया। आज प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन की सौगात देने आए हैं। मेरी प्रिय बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं, अब तो बाण सागर से, गुलाब सागर से पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गघरा भर जाएगा, हैंडपंप की खटर पटर बंद। 7,800 करोड़ रुपए की उसके पहले की भी योजनाएं हमारी बन रही है। लेकिन मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जल जीवन मिशन के पैसा भेजे थे, कांग्रेस की सरकार ने लौटा दिए कि हमें घर घर पानी नहीं देना, ये पाप भी तत्कालीन सरकार ने किया था। 14 वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को नहीं दिया गया था। स्वामित्व का जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, हर घर अब आपका स्वामित्व होगा, उसका अधिकार पत्र सौंपने प्रधानमंत्री जी आए हैं। 73,000 किलोमीटर
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें, स्वच्छता का अभियान चलाया। मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता में भी पहले नंबर पे आया और ग्रामीण में भी पश्चिम जोन में हम पहले नंबर पे आए। उन्होंने कहा भर्ती का अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में 1,14,000 भर्तियां हो रही है, 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली शिक्षकों को आशीर्वाद दिया था। एक नहीं, ऐसे अनेकों अभियान चल रहे हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल एक बात आज कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं, और वो हम सबसे मन की बात करते हैं। मन की बात सबको पता है ना, मन की बात का? अरे जोर से बताओ, पता है? तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां संस्करण आने, 100वां एपिसोड, मतलब 100वीं बार प्रधानमंत्री जी हमसे मन की बात करेंगे। मन की बात हमें प्रेरणा देती है, हमें राह दिखाती है, अच्छे कामों को सामने लाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना, मन की बात घर के कमरे में बैठ के नहीं सुनना है, जहां व्यवस्था है मैदान में वहां सुनना है। ठीक 11 बजे, 11:45 बजे हम टीवी सेट के सामने बैठेंगे और ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री जी फिर मन की बात कहके, मन की बात हमसे करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आप सब सुनने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं, हर जगह व्यवस्था की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और प्रशासन भी सारी व्यवस्था कर रहा है, मन की बात जरूर सुने। याद रखिए 30 तारीख को 11:45 बजे। बोलिए सब सुनेंगे, जोर से बताइए सब सुनेंगे। और अंत में धरती कहे पुकार के जो संदेश दिया है, ये प्रधानमंत्री जी के दिल की तड़फन है, ये एक महामानव का सोच है। मित्रों, किस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक रहने दें। मध्य प्रदेश में अभी 60,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। प्रधानमंत्री जी का संदेश देश को बचाने का है, धरती को बचाने का है, वन्य प्राणियों को, कीट पतंगों को, सबको बचाने का है, सबको जीने का हक है। इसलिए आइए उनके बचाए हुए इस मार्ग पर चलने का भी किसान संकल्प लें। 5 संकल्प, 1 बिजली बचाएं, 2 पानी बचाएं, 3 पेड़ लगाएं, 4 प्राकृतिक खेती करें, और एक और प्रधानमंत्री जी की जो सदैव हमसे अपील रहती है स्वच्छता की। मेरे प्रिय पंचायती राज के बहनों और भाइयों और आम जन से भी मैं कहता हूं, आइए प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल के हम अपने प्रदेश को भी बनाए और दुनिया को भी बचाने में अपना योगदान दें। बोलो सब तैयार हैं? जोर से, सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम सब संकल्प लेंगे कि प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चल के हम अपने प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांध लीजिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में मददगार, स्थानीय उद्यमिता को आगे बढ़ाने वाला, असंख्य संभावनाओं का पारदर्शी और सुगम समाधान है ई ग्राम स्वराज जेम एकीकृत पोर्टल। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से ई ग्राम स्वराज तथा जेम के एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करें। वर्ष 2016 में GeM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की शुरुआत कर भारत सरकार ने एक ऐसे सरकारी ई बाजार का गठन किया
जहां से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके। इस ई बाजार में छोटे से छोटे दुकानदार अपने उत्पादों को सरकार को बेच सकते हैं और आज लगभग 60 लाख विक्रेता GEM पोर्टल पर पंजीकृत होकर अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान या सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। पंचायत शासन का तीसरा एवं महत्वपूर्ण स्तर है। वर्ष 2014 के बाद से पंचायतों को हस्तांतरित धनराशि में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके प्रबंधन के लिए वर्ष 2020 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल की उत्पत्ति हुई। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। पिछले साल पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों यानी LSDG की रूपरेखा के अंतर्गत पंचायतों को LSDG आधारित संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस संकल्प प्राप्ति के लिए सेवाओं या वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्यक था, इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज और GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बीच ये इंटरफेस तैयार किया है। GEM पर पंजीकरण कर पंचायतें गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही गांव के छोटे विक्रेता इस अभूतपूर्व अवसर का लाभ उठाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। आइए साथ मिलकर हम सब द्वारा देखे गए डिजिटल इंडिया के सपने को और सुदृढ़ करें, क्योंकि सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। देश आजादी का अमृत महोत्सव पर्व अगस्त 2023 तक हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस वर्ष अमृत महोत्सव में 9 नई थीम्स जोड़ी जा रही हैं। इनमें से एक थीम है समावेशी विकास। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अगुवाई में इस विषय के अंतर्गत 9 अभियानों को सम्मिलित किया गया है, जिनका आज सामूहिक शुभारंभ किया जा रहा है। इन अभियानों की मॉनिटरिंग के लिए एक वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप समावेशी विकास के लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन। महोदय, कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास अभियानों का शुभारंभ करें। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास व 75 साल की आजादी में प्रगति के जश्न का जनता को समर्पित राष्ट्रीय उल्लास, जोश व स्वाभिमान का पर्व, जो अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके इस जन आंदोलन को और प्रोत्साहन देना है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंच प्रण के अंतर्गत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास पर बल दिया गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास अवधारणा पर केंद्रित है, जो समानांतर अवसरों को बढ़ावा देता है और जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ होता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में समावेशी विकास के तहत सब ग्रामीण भारतीयों की हिस्सेदारी के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को उचित अवसर व लाभ देने वाली बुनियादी जरूरतों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए 9 अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं और इनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग व पंचायती राज मंत्रालय सहयोगी मंत्रालय है। अपनी जिम्मेदारी को उत्साह के साथ निभाते हुए व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास ही वास्तविक विश्वास की परिकल्पना से प्रेरित होकर चलाए जा रहे इन 9 अभियानों की विशेषताओं को लोगों के साथ साझा करने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सरल वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप समावेशी विकास का माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप न केवल प्रत्येक अभियान के तहत प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि भारत के नागरिकों को इन अभियानों के बारे में अपने अनुभव और राय साझा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इस वेबसाइट में अभियान बटन पर क्लिक करके कोई भी प्रत्येक अभियान की प्रगति देख सकता है और कैलेंडर पर जाकर देश में कहीं भी होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जान सकता है। इस वेबसाइट में प्रत्येक अभियान से संबंधित फोटो या वीडियो देखे जा सकते हैं। कोई भी नागरिक मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपने विचार साझा कर सकता है। आइए इस अमृत काल में देश को विकास की ओर ले जाने वाले कुछ समावेशी प्रयासों में खुद को जोड़े और माननीय प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास में खुद को शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मध्य प्रदेश में बेहतर होती रेल सुविधाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप हरी झंडी दिखाकर 3 नई रेलगाड़ियों को रवाना करें। 3 नई रेलगाड़ियां हैं रीवा इतवारी वाया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नैनपुर और नैनपुर छिंदवाड़ा। तीनों ही जगह से हम सीधे जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से रेलगाड़ियों को रवाना कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तीनों ही स्थानों पर अलग अलग रैक हैं। सभी सजी सभी रेलगाड़ियां नए यात्रियों के साथ इसी समय रवाना हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश को 2300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ रिमोट के माध्यम से करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह। देश प्रदेश में रेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण, मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण, ग्वालियर स्टेशन के नव निर्माण कार्यों तथा रेलवे की अन्य विकास गतिविधियों को आइए देखते हैं एक लघु फिल्म के जरिए। तेजी से विकसित होते और नित बदलते भारत की मिसाल बनकर उभरी है भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर हिस्से में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। रेलवे भी इन 9 वर्षों में आधुनिक, तेज, सुरक्षित और नवीन हुई है। नए भारत की नई रेलवे आज समग्र बदलावों के साथ जन जन की रेलवे बनकर उभरी है। हमने सिर्फ स्केल और स्पीड को ही बेहतर नहीं किया, बल्कि अनेक स्तरों पर सुधार किया। ये सुधार क्वालिटी में हुआ है, सुविधा में हुआ है, सुरक्षा में हुआ है,
स्वच्छता में हुआ है, देश भर में रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार आज स्पष्ट दिखता है, गरीब और मध्यम वर्ग को भी आज वही माहौल दिया जा रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों की पहुंच में ही होता था। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रेलवे परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इसी क्रम में 2300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बिरला नगर से उदी मोड़ तक 103 किलोमीटर और महोबा खजुराहो उदयपुरा रेलखंड पर 196 किलोमीटर के विद्युतीकरण से ग्वालियर और इटावा स्टेशनों के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा, जिससे पैसेंजर ट्रेनों और फ्रेट ट्रेनों दोनों की रफ्तार बढ़ेगी, पर्यटकों को आसानी होगी। विद्युतीकरण हो जाने से अब इस खंड पर ट्रैक्शन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, डीजल की बचत होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट 183 किलोमीटर गेज परिवर्तन सहित विद्युतीकरण से आवागमन सुगम होगा और ट्रेनों का संचालन बढ़ेगा। इस रेल खंड में स्थित छिंदवाड़ा स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है जो पचमढ़ी पातालकोट तथा पेच राष्ट्रीय उद्यान जैसे पर्यटन स्थल को जोड़ता है। इस खंड के ब्रॉड गेज होने से पर्यटकों की यात्रा तेज और सुगम होगी और मंडला जिले के आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक तरक्की के नए अवसर बनेंगे। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। हरित रेलवे के विजन के साथ वर्ष 2030 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो संकल्प लिया गया है, उसकी सिद्धि में ये कार्य अहम साबित होगा। आज ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रारंभ हो रहा है। यह स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग ब्लॉक होंगे ताकि यात्रियों को सुविधा हो। साथ ही होंगी पार्किंग की सुविधा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, विशाल रूफ प्लाजा और प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, सीढ़ी, स्काई वॉक से जुड़े प्लेटफॉर्म और दिव्यांग जन के अनुकूल सुविधाएं। साथ ही आज छिंदवाड़ा से नैनपुर और रीवा से इतवारी के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत भी की जा रही है, जिससे छिंदवाड़ा नैनपुर और रीवा इतवारी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इन ट्रेनों के प्रारंभ होने से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एवं व्यापार की असीम संभावनाओं को गति मिलेगी और रोजगार के साधन बढ़ेंगे, जिससे ये संपूर्ण क्षेत्र सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। आधुनिक विकास के लक्ष्य के साथ इन रेलवे परियोजनाओं से कृषि, उद्योग और पर्यटन जैसे अहम सेक्टर को विशेष बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पूरे क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक प्रगति को गति मिलेगी और भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश और तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन मिशन के तहत रीवा संभाग के रीवा, सीधी तथा सतना जिलों के 4036 ग्रामों के निवासियों को लाभान्वित करने वाली 7853 करोड़ रुपए की समूह जल प्रदाय योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि कृपया आप अपने कर कमलों से रिमोट के ही माध्यम से 411,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाखों लाभार्थियों का उनके अपने घरों में गृह प्रवेश कराया है। आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन परिवारों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है जो संसाधनों के अभाव में अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते। आवासियों के स्वयं के पक्के मकान का सपना पूरा करने प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिससे हर गरीब परिवार अब पक्की छत के नीचे खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। प्रधानमंत्री जी के सबको पक्का मकान के संकल्प को साकार करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश में अब तक 38 लाख से अधिक स्वीकृत आवास में से 33,49,000 लाभार्थियों को इस योजना में स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शौचालय युक्त पक्के घर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है। सर्व सुविधा पूर्ण आवास उपलब्ध कराने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हों, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10,000 महिलाओं सहित कुल 51,000 से अधिक प्रशिक्षित राजमिस्त्री कार्य कर रहे हैं, जबकि 10,000 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण जारी है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर पात्र परिवार को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मध्य प्रदेश की धरती पर फिर एक नई क्रांति होगी। 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का पक्का घर तो मिल ही रहा है, उनका जीवन आसान भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण देश में स्वामित्व योजना के 25,000,000 लाभार्थी हैं श्रीमती सीता साकेत तथा श्री सूरजलाल साकेत। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप ग्राम गढ़हरा जिला सिंगरौली के श्रीमती सीता एवं श्री सूरजलाल साकेत को अपने कर कमलों से स्वामित्व अधिकार अभिलेख प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संपूर्ण भारतवर्ष में ग्रामीण आबादी क्षेत्र में निवासियों को मालिकाना हक देने की ऐतिहासिक पहल है स्वामित्व योजना। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ और उसी वर्ष 1,00,000 संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। यह आंकड़ा आज 1.25 करोड़ को भी पार कर चुका है। स्वामित्व योजना देश के ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बना रही है और ग्रामोदय से भारत उदय का सपना साकार हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27,00,000 संपत्ति धारकों को मिलेगा उनकी संपत्ति का मालिकाना हक। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 के अवसर पर उद्बोधन हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से आदर सहित विनम्र आग्रह। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, पंचायती राज मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे भाई गिरिराज जी, विधायक गण, सांसद गण, अन्य सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं, और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा है। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जनसेवा से राष्ट्र सेवा। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है, उन्हें हमारी पंचायतें पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही है। भाई और बहनों, आज यहां ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर जो नई व्यवस्था लॉन्च की गई है, उससे आपका काम और आसान होने वाला है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं। गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी
मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायत व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, पंचायतों में सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये आज गांव वाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। 2014 के पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 17,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आंकड़ा याद रखोगे आप? आंकड़ा याद रखोगे? कुछ आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। याद रखोगे? 14 के पहले 17,000 करोड़ से कम। क्या इतनी कम राशि से इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। आप बताएंगे मैंने कितना बताया? पहले कितना था, अब कितना हुआ? चला जाए साहब, अब आप अंदाज लगा सकते हैं काम कैसे करते हैं। मैं आपको दो और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले के 10 वर्षों में, मैं उन 10 साल की बात करता हूं, केंद्र सरकार की मदद से 6,000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे। पूरे देश में करीब करीब 6,000 पंचायत घर बने थे। हमारी सरकार ने 8 साल के अंदर अंदर 30,000 से ज्यादा नए पंचायतों भवन का निर्माण करवा चुकी है। अब ये आंकड़ा भी बताएगा कि हम गांवों के लिए कितने समर्पित हैं। पहले की सरकार ने ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन उस योजना के तहत देश की 70 से भी कम, 100 भी नहीं, 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था। वो भी शहर के बाहर जो नजदीक में पंचायत पड़ती थी वहां पर गए थे। ये हमारी सरकार है जो देश की 2,00,000 से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है। फर्क साफ है दोस्तों। आजादी के बाद की सरकारों ने
कैसे भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो व्यवस्था आजादी के भी सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्षों पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। पूज्य बापू कहते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। साथियों, 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आज भारत की पंचायतें गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायतें गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव का विकास करें, इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम किया जा रहा है। साथियों, हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप लोग अमृत सरोवर पर इतना काम कर रहे हैं, इन अमृत सरोवरों के लिए जगह चुनने में, काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हुआ है। आज यहां ई ग्राम स्वराज जैम इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। इससे अब पंचायतों को कम कीमत में सामान मिलेगा और स्थानीय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का एक सशक्त माध्यम मिल जाएगा। दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें, पंचायतों के सब सामान इस पोर्टल पर आसानी से मिलेगा। भाई और बहनों, आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक और लाभ हम पीएम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं। हमारे यहां गांव के घरों के प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर बहुत उलझने रही है। इसके चलते भली भांति के वाद विवाद होते हैं, अवैध कब्जों की आशंका होती है। पीएम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही है। आज गांव गांव में ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे हो रहा है, मैप बन रहे हैं। इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। अभी तक देशभर में 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं
कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया वो आपके विकास को लेकर इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे, इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाई और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो हम गांव की अर्थव्यवस्था को, गांव में सुविधाओं को, गांव के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में ले आए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो 10 करोड़ गैस कनेक्शन मिले वो गांव के लोगों को ही तो मिले हैं। हमारी सरकार में गरीबों के जो देश भर में 4.25 करोड़ से भी अधिक घर बने हैं उसमें से 3 करोड़ से अधिक घर गांव में ही तो बने हैं। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इन ज्यादातर घरों में मालिकाना हक हमारी बहनों, बेटियों, माताओं का भी है। हमारे यहां एक ऐसी ट्रेडिशन चली, घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, खेत हो पुरुष के नाम पर, महिलाओं के नाम पर कुछ होता ही नहीं था। हमने ये रिवाज बदला है और मालिकाना हक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बड़े। साथियों, भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है। और आप जानते हैं आज के समय में पीएम आवास का हर घर लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। यानी भाजपा ने देश में करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाया है। मैं इन सभी लखपति दीदियों को प्रणाम करता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए कि देश में और कोटि कोटि दीदी भी लखपति बने, इसके लिए हम काम करते रहे। आज ही यहां 4 लाख लोगों का उनके अपने पक्के घर में गृह प्रवेश हुआ है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लखपति दीदी बन गई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पीएम सौभाग्य योजना के तहत जिन 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंची उनमें से ज्यादातर गांव के ही घर हैं, गांव के रहने वाले मेरे भाई बहन हैं। गांव के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर घर जल योजना भी शुरू की है। सिर्फ 3-4 साल में इस योजना की वजह से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है।
यहां एमपी में भी गांव में रहने वाले सिर्फ 13 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचता था, पहले की बात करता हूं। आज एमपी के गांवों में करीब करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया है। साथियों, हमारे गांव के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकारी नहीं माना जाता था, भुला दिया गया था। गांव के ज्यादातर लोगों के पास ना बैंक खाते होते थे और ना ही उन्हें बैंकों से सुविधा मिलती थी। बैंक खाता ना होने की वजह से सरकार जो पैसा गरीबों के लिए भेजती थी वो भी बीच में ही लूट जाता था। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदल दिया है। हमने जनधन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस का उपयोग करके गांवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई। हमने लाखों बैंक मित्र बनाए, बैंक सखियों को प्रशिक्षित किया। आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में नजर आ रहा है। देश के गांवों को जब बैंकों की ताकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गांव के लोगों की मदद हो रही है। साथियों, पहले की सरकारों ने भारत के गांवों के साथ एक और बड़ा अन्याय किया था। पहले की सरकारें गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी। गांव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था ही नहीं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। गांव के लोगों को बांटकर कई राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने गांवों के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार ने गांवों के विकास के लिए भी तिजोरी खोल दी। आप देखिए, हर घर जल योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। पीएम आवास योजना पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना पर भी 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी सरकार ने करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। यहां एमपी के लगभग 90 लाख किसानों को भी 18.5 हजार करोड़ रुपए इस योजना के तहत मिले हैं। इस निधि से रीवा के किसानों को भी करीब करीब 500 करोड़ रुपया मिले हैं। हमारी सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है उससे भी गांवों में 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पहुंचे हैं। कोरोना के इस काल में पिछले 3 साल से हमारी सरकार गांव में रहने वाले गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। गरीब कल्याण की इस योजना पर भी 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, जब गांव में विकास के इतने काम होते हैं, जब इतना सारा पैसा खर्च होता है, तो गांव में रोजगार के अवसर भी बनते हैं। गांव में रोजगार स्वरोजगार को गति देने के लिए, गांव के लोगों को गांव में ही काम देने के लिए केंद्र सरकार मुद्रा योजना भी चला रही है। मुद्रा योजना के तहत लोगों को बीते वर्षों में 24 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे गांवों में भी
करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया है। मुद्रा योजना की बहुत बड़ी लाभार्थी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं। हमारी सरकार की योजनाएं किस तरह गांव में महिला सशक्तिकरण कर रही है, गांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है, उसकी चर्चा आज हर तरफ है। बीते 9 साल में 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई है। यहां मध्य प्रदेश में भी 50 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। हमारी सरकार में हर स्वयं सहायता समूह को बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। कितने ही लघु उद्योगों की कमान अब महिलाएं ही संभाल रही है। यहां तो राज्य सरकार ने हर जिले में दीदी कैफे भी बनाया है। पिछले पंचायत चुनावों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी करीब 17,000 बहनें पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनी गई है। यह अपने आप में बड़े गर्व की बात है। मैं मध्य प्रदेश की नारी शक्ति को इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आजादी के अमृत महोत्सव में समावेशी विकास का अभियान भी शुरू हुआ है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास के भाव को सशक्त करने वाला है। विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था का प्रतिनिधि, हर नागरिक, हम सबको जुटना होगा। ये तभी संभव है जब हर मूल सुविधा तेजी से 100% लाभार्थी तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। इसमें आप सभी पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत बड़ी है। भाई और बहनों, पंचायतों द्वारा खेती से जुड़ी नई व्यवस्थाओं को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती को लेकर आज देश में बहुत व्यापक स्तर पर काम चल रहा है। यहां भी केमिकल खेती के नुकसान के बारे में चर्चा हुई है। हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियों ने धरती मां की तकलीफ के बारे में हम सभी को बताया, नाट्य प्रयोग करके धरती मां की वेदना हम तक पहुंचाई है। केमिकल वाली खेती से धरती मां का जो नुकसान हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हमारी इन बेटियों ने सबको समझाया है। धरती की ये पुकार हम सभी को समझनी होगी। हमें हमारी मां को मारने का हक नहीं है। ये धरती हमारी मां है, उस मां को मारने का हमें अधिकार नहीं है। मेरा आग्रह है कि हमारी पंचायतें प्राकृतिक खेती को लेकर जन जागरण अभियान चलाए। छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे भाई बहन हो, इनकी मदद के लिए जो अभियान केंद्र सरकार चला रही है, उसमें भी पंचायतों की बड़ी भागीदारी है। जब आप विकास से जुड़ी हर गतिविधि से जुड़ेंगे तो राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को बल मिलेगा। यही अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बनेगी। साथियों, आज पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश विकास को नई गति देने वाली कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेल लाइन के बिजलीकरण से इस क्षेत्र के लोगों की दिल्ली, चेन्नई और हावड़ा मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी होगा। आज छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है। इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्बे और गांव
अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। इन ट्रेनों की मदद से नागपुर और जबलपुर जाना भी आसान हो जाएगा। आज जो रीवा इतवारी छिंदवाड़ा नई ट्रेन चली है, उससे भी अब सिवनी और छिंदवाड़ा सीधे नागपुर से जुड़ जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र तो अपने वन्य जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां पर्यटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा, विद्यार्थियों को होगा, रेलवे के डेली पैसेंजर्स को होगा, छोटे कारोबारी और दुकानदारों को होगा। यानी डबल इंजन की सरकार ने आज आपकी खुशियां भी डबल कर दी है। साथियों, आज मैं आपका एक और बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी शिवराज जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया कि इस रविवार मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के स्नेह और आपके योगदान की वजह से ही मन की बात आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश के अनेक लोगों की उपलब्धियों का जिक्र मैंने मन की बात में किया है। यहां के लोगों की लाखों चिट्ठियां और संदेश भी मुझे मिलते रहे हैं। इस बार रविवार को मन की बात में फिर आपसे मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सेंचुरी है ना, और हमारे यहां तो सेंचुरी का जरा महत्व ज्यादा ही होता है। आप हर बार की तरह रविवार को अवश्य मेरे साथ जुड़िएगा। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को पंचायती राज दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपके साथ साथ मंच पर आसीन माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी का उपस्थिति के लिए विनम्र आभार। विशेष आभार विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कोने कोने से पधारे लाखों भाई बहनों का जिन्होंने राष्ट्र। अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के रीवा से सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।